और बायोकेमिक, बायो इनों पे मतलब बोलना मत कुछ, पहले सुन लो आराम से, फिर बाद में उसके बाद आप वो कर लेना, ठीक है। देखिए, पेट दर्द के जो कारण है ना, सर्वसाधारण कारण है वो है अपच, कब्जियत, दस्त लगने। जब दस्त की समस्या होगी तब पेट में दर्द उठेगा, कब्ज रहेगी तब पेट में दर्द उठेगा, अपच होगी तो पेट के में दर्द उठेगा, गुर्दे में कोई खराबी होगी, किडनी में, तो पेट का दर्द होगा, पित्ताशय की बीमारी होगी तब पेट में दर्द होगा, लीवर की कोई तकलीफ होगी तो पेट में दर्द होगा, आंतों में, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, इनमें कोई तकलीफें होंगी तो पेट में दर्द होगा। अब यहाँ पे हम पेट दर्द हमारा कैसे है, अपच की है, कब्जियत की है, दस्त की है, ये तीन के पेट दर्द तो हमें कोई दिक्कत नहीं करती, एक दिन दो दिन में अपने आप नष्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो पेट दर्द जो तंग करेगा वो करेगा अल्सर का, पेक्टिक अल्सर का, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मतलब हमारे अंदर के पाचन तंत्रों में अगर कोई तकलीफ आ गई है, अगर हमारा पेट दर्द बना हुआ है, नहीं नष्ट हो रहा है, मान लिया हमारे दस्त लगा हुआ था, हमारा दस्त ठीक हो गया और कुछ चीजें खाने पीने से, दवाइयां लेने से हमारा पेट का दर्द अगर ठीक हो गया, तो आप समझो कि आपका सिर्फ वही अपच और कब्ज की वजह से थी, दस्त की वजह से थी, दस्त हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, मरोड़ उठ रहे थे, तो नेचुरल सी बात है कि हमें दस्त हो रहा है इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हुआ है इसलिए दर्द हो रहा है, ये भी बात समझ में आती है, इसका कोई लेना देना नहीं है पेट के दूसरे अंगों से, हमें अपच भी नहीं है, दस्त भी नहीं है, कब्जियत भी नहीं है, उसके बाद भी हमारा पेट दर्द मीठा मीठा या बहुत तेज उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अन्य अंगों में तकलीफ पहुंची हुई है जिसकी वजह से दर्द है, चाहे वो लीवर का हो, किडनी का हो, बड़ी आंत का हो, छोटी आंत का हो, कोई जख्म हो रखा हो। अब यहाँ पे घर की चीजों में जो रसोई घर के मसालों से जब इलाज होता है ना, तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो अगर पेट दर्द के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने अजवाइन का सेवन किया, अजवाइन और काला नमक दोनों का, अजवाइन को तवे पे सेक के काला नमक मिला के चबा चबा के खा लिए, पीछे से गुनगुना पानी पी लिए, इससे अगर आराम मिलता है तो ये पेट का दर्द आपके सारे अंगों पे काम करता है। अजवाइन हमारे लीवर के लिए भी फायदेमंद है, पित्त की थैली के लिए भी फायदेमंद है, किडनी के लिए भी फायदेमंद है, बड़ी आंत के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन अगर वही हम किसी अंग्रेजी गोली को खाते हैं और प्राकृतिक दवाओं का अगर सेवन करते हैं दर्द का, तो वो पेन किलर करते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम को सुन कर देता है, जो दर्द पहचानने वाली नसें हैं उनको सुन कर देता है, इसीलिए हमें दर्द का एहसास नहीं होता, और उसके बाद थोड़ा बहुत हमारा खान पान एक दो दिन ठीक रहता है तो वो भी थोड़ी सी रिकवर हो जाता है, नेचुरल वाला जो छोटा मोटा जो पेट दर्द है, लेकिन जो अगर किसी अंग के खराब होने के कारण पेट में दर्द है और आप बार बार पेन किलर खा के पेट दर्द को ठीक कर रहे हैं या किसी भी दर्द को ठीक कर रहे हैं, तो आपके रोग को ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन रसोई घर के मसालों से या होम्योपैथ के मसालों से, आयुर्वेद के मसालों से, आयुर्वेद की दवाओं से अपने दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके अन्य शरीर के अंगों पे भी काम करता है, फर्क सिर्फ इतना ही है। अब प्राकृतिक दवाओं से दर्द दर्द तो तुरंत आराम मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके दर्द पहचानने वाली नर्वस सिस्टम को सुन कर दे रही है, और रसोई घर के मसाले से, आयुर्वेद की दवाओं से, होम्योपैथ की दवाओं से हो सकता है दर्द को दूर करने में, दर्द पूरी तरह से नष्ट होने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मतलब आपके पूरे अंगों को वो रिपेयर करने का भी काम कर रहा है। ऐसी कोई भी औषधि, रसोई घर की कोई भी औषधि, चाहे हल्दी हो, नमक हो, धनिया हो, जीरा हो, सौंफ हो, अजवाइन है, सौंठ है, जायफल है, कोई भी औषधि, एक भी औषधि अगर आप ले लो, तुलसी ले लो, लौंग ले लो, कोई भी, जब उसके गुण धर्म और उसके उपयोग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हर अंग पे उसका काम है, बस कुछ औषधियों का ऐसा है कि अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो दूसरे अंगों को तंग करती है, लेकिन अगर सर्वसाधारण थोड़ी सी, अगर मान ले मेरे पेट में दर्द है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पेट दर्द, तो मैं कुछ नहीं सिर्फ धनिया ही रोज चबाऊं, दिन में
आधा आधा चम्मच, चौथाई चौथाई चम्मच मुंह में रख के धनिए को चूसते रहूं, चबाते रहूं, तो 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 4 दिन के अंदर वो दर्द पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पहले तो थोड़ा सा, एक पहले दिन में आपको आराम मिलेगा, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बर्दाश्त कर लोगे, काम अगर तेज काम कर रहे हैं, दर्द उठ रहा है तो काम नहीं करोगे, लेकिन अगर यही धनिए, सिर्फ धनिए को सिर्फ एक औषधि से भी हम कंटिन्यूटी नियमित रखते हैं तो हमारे कारणों को खत्म करता है। पेट दर्द में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेट दर्द, तो आप धनिया है, सौंफ है, सौंठ है, काला नमक है, जीरा है, दो दो चुटकी ले लो, जो भी चीजें हैं घर के मसाले, दो दो चुटकी लो, उसको चबा चबा के खाओ, पीछे से गुनगुना पानी पी लो, पेट दर्द पूरी तरह से ठीक होता है। अब आज हमें मौका मिला है कि हम आराम से बात करें, तो मैं आपको किताबों से ही, जिन किताबों का अध्ययन करते हैं इसमें लगभग लगभग पेट दर्द के ऊपर 50 से 60, मतलब 60 तो यहीं पे लिखा हुआ है, उन्हीं को आज हम बात कर लेते हैं, नकल नकल ही नकल से ही अकल ले लेते हैं। पेट दर्द होने पर लिखा हुआ है, 3 ग्राम पुदीने में जीरा, हींग, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालकर गर्म करके पीने से लाभ होता है। अब जहां पे ग्राम की मात्रा है, कभी ये चीजें देखनी नहीं होती, 3 ग्राम, 1 चम्मच जो होता है छोटा चम्मच, उसमें लगभग लगभग 5 ग्राम आता है, और जहां पे घर की रसोई घर की मसालों की बात हो, अगर वो कम ज्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जब भी हम इन चीजें देखेंगे तो जहां जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन में आ रही है वो हमारे लिए सबसे कारगर होगी। अब आप आगे कई सारे उपचारों में आप देखोगे कि हींग कई बार नियमित सेवन होगा, हींग का उपयोग कई जगहों पे होगा, जीरे का उपयोग होगा, पुदीने का उपयोग होगा, काले नमक का होगा, तो इसका मतलब कि ये सब चीजें मतलब बार बार और अकेली भी काम कर सकती है। पेट दर्द भूखे होने से अगर हो तो छाछ पीने से दर्द ठीक हो जाता है, अगर भूख के कारण पेट दर्द हो रहा हो तो छाछ पीने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। अगर भूख लगी हुई है और उसमें हम गरम मसाले से, तली भुनी चीजों से अगर हम खाएंगे तो हमारा दर्द बढ़ेगा। पेट दर्द और ऐसी उल्टी जो रुकने का नाम न ले रही हो, पेट दर्द के साथ ऐसी उल्टी जो रुकने का नाम न ले रही हो, उस स्थिति में राई को पीस के पेट पे लेप लगाना चाहिए। जो सरसों होती है और राई होती है, राई काली वाली को बोलते हैं, सरसों पीली वाली को बोलते हैं, तो राई का लेप लगाने से पेट का दर्द और उल्टी दोनों नष्ट होती है। सौंफ और सेंधा नमक दोनों को पीस कर 2 चम्मच तक गर्म पानी से फंकी लेना चाहिए। अब फिर यहाँ पे आ जाओ, नमक वहां भी था, नमक यहाँ भी है, ठीक है। पेट दर्द एवं अपच होने पर सेकी हुई हींग, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, धनिया, अजवाइन मिलाकर, सारा मिलाकर, बराबर मिलाकर रखें, इसमें से 1/4 चम्मच गर्म पानी से लेना चाहिए। चिल्लाता हुआ रोगी भी पेट दर्द उसका शांत हो जाता है। अब हम कल बात हो रही थी लीवर में, कि लीवर के लिए हम सौंठ है, नमक है, नींबू है, मिश्री है, इसको मिलाते हैं। अब यहीं पे अगर देखा जाए कि इसमें जीरा भी है, सौंठ भी है, सेंधा नमक भी है, सेकी हुई हींग भी है, लेकिन लेना क्या है, देखिए यहाँ पे हींग की जो मात्रा होगी वो बराबर हो जाएगी सबके साथ, लेकिन लेना कितना है, 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच का मतलब हो गया 5 ग्राम का 1/4 चम्मच, 1 से 2, मतलब 1 से 1.5 ग्राम तक, बस थोड़ा सा। इसी तरीके से 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से नित्य, मतलब रोज खाना चाहिए, इससे पेट दर्द नहीं उठता। पेट दर्द हो तो पीसी हुई लाल मिर्च और गुड़ मिलाकर खाने से लाभ होता है। अब लाल मिर्च और गुड़, तो ये तो लाल मिर्च अपने तिक्त गुण के कारण हमारे मन में जो आएगी, मतलब अलग सा मिजाज हो जाएगा, तो शायद पेट दर्द को ऐसे ही भुला दे। दालचीनी, हींग प्रत्येक 1/4 मात्रा में मिलाकर पीस लें, 1 गिलास पानी में उबालकर ठंडा कर लें और 3-4 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर पर पिए।
इतने सारे लिखे हुए हैं कि मैं तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने पे मुझे एक ही चीज मालूम होती है कि अपने रसोई घर में रखी हुई हर गरम मतलब जो हमारे मसाले हैं वो सारे के सारे पेट दर्द को दूर करते हैं। आपको कंफ्यूजन हो कि क्या लें क्या ना लें, तो जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, काला नमक, हींग कम ज्यादा मात्रा में लेके चबा चबा के खाएं और पीछे से गुनगुना पानी पी लें। इसी को बार बार करने से किसी भी तरह का पेट दर्द खत्म हो जाता है। पूरे 50-60 जो इतने भी इसमें कई जगहों पे पत्तों का तुलसी अदरक तुलसी के पत्तों का रस अदरक का रस बराबर मिला के गर्म करके हर एक एक घंटे पे आधा आधा चम्मच पीने से पेट दर्द खत्म होता है। जायफल, हल्दी, कपूर एक एक चुटकी गुनगुने पानी में घोल के पीने से पेट दर्द ठीक होता है। सुबह शाम मुलेठी सौंफ को चूसते रहने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में हिंगवाष्टक चूर्ण आता है, गर्म पानी से लेना चाहिए, इससे पेट से हवा निकल जाती है। गैस के कारण अगर हो रखा हो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। अमृत धारा की 5 बूंदे बतासे पे डालकर आधे आधे कप पानी में या बतासे पे डालकर खाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। अब जब जामुन के समय आ रहा हो तो जामुन को खाओ, उससे पेट दर्द ठीक हो जाता है। पेट दर्द में अगर घर में फिटकरी है तो एक चुटकी फिटकरी दही में मिला के खिला दो, पेट दर्द ठीक हो जाता है। अभी जैसे हमने बताया था कि होम्योपैथ में कोलोसिंथ पेट दर्द की बहुत अच्छी दवा है, एसिड फ्लोर, एसिड सेप्टिक, कॉचिकम, क्यूप्रमेट, नक्स वोमिका, कोकुलस इंडिका, बोर्विस्टा, चेलिडोनियम, एलोसेकोटोरीना, कॉस्टिकम, ओपियम, कैमोमिला, बेलाडोना, मार्क सॉल, दवाइयां बहुत है। अब हम जब सीखने की बात करें तो हमारा मतलब पूरी किताब मैंने जब भी पढ़ी है तो मेरा सारा ध्यान होता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे घर के अंदर उपलब्ध है और आसानी से हर घर में उपलब्ध होती है। कई जगहों पे लिखा हुआ है कि आप मतलब जैसे यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है कि अगर पेट दर्द हो तो त्रिफला चूर्ण में मिश्री मिलाकर गुनगुने पानी से पेट दर्द दूर हो जाता है। अब मुझे ये फार्मूला याद रखना है, याद रख लिया, लेकिन सामने वाले के घर में त्रिफला है या नहीं है, तो हमें मैं सबसे ज्यादा कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर घर में होनी चाहिए होती है। तो एट ए टाइम जब हम फोन आए तो हम उसको वो चीज बता दें ताकि उससे उसका रोग दूर हो जाए। अब पेट दर्द में अमरूद की कोमल पत्तियों को मिला पीस के पानी में मिला के पीने से आराम मिलता है, ठीक है। अब मैं जिसको बता रहा हूं उसके घर में अमरूद का पत्ता है या नहीं है, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार में जो भी लोग इस काम में काम कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला ध्येय ये होना चाहिए कि हम जो हम हमें हमें वो ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाले के रसोई घर में होनी चाहिए। तो हम इस अभियान में और बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं कि हर तरह के पेट दर्द के लिए, हर तरह के किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, बार बार सिर्फ रिपीट करनी है, रसोई घर के मसालों को रिपीट करना है। अगर हम एक बार खाए आराम नहीं पड़ा, आधे घंटे बाद दोबारा खा लिए आराम नहीं पड़ा, आधे घंटे बाद तीसरी बार खा लिए आराम नहीं पड़ा, आधे घंटे बाद चौथी बार खा लिए नहीं आराम पड़ रहा है, हम सभी को मालूम है सिकाई करने से आराम मिलता है, उसको सिकाई करवा दो, तेल लगा के उसको सिकाई करा दो, उससे भी आराम नहीं मिल रहा है, मान लिया सबसे पहले गर्म सिकाई कराते हैं, गर्म सिकाई से आराम नहीं मिल रहा है तो फिर ठंडे पानी से सिकाई करके देखो, क्योंकि तो इन सब चीजों का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाँ जी भैया, यहाँ पे एक चीज है, हाँ हो क्या रहा है ना, लोग सिकाई करते नहीं है, आलसी हैं,
ठीक है, फिर मालिश करनी नहीं है, आलसी है, तो इनका तो ले दे के भैया यही तरीका है कि ये कुछ ऐसा खाएं जिसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कुछ ऐसा खाएं जिसमें इनका पेट भरे, क्योंकि फिर ये कहते हैं पेट नहीं भरा जी और मजा नहीं आ रहा जी जीने का, एक तो ये कुछ ऐसा खाएं कि ये पेट भर भरे इनका, और दूसरा उसके साथ ये कुछ ऐसा लें जिससे इनका पेट बराबर जो है टाइमिंग से साफ होता रहे, जिससे इनको उससे शक्ति भी मिल जाए और पच इसके भी लिए जाए। सब इसके लिए भी सबसे साधारण में है जिसका कभी कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। आप अजवाइन और काला नमक, अजवाइन और गुड़, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन रखें खाना खाने के बाद। क्योंकि मैं खुद ही, आपको पता ही है कि मैं बहुत देर रात तक आता हूँ ऑफिस से, और मैं राजीव भाई के सारे नियमों में से इस नियम का तो सबसे ज्यादा विरुद्ध उल्टा पड़ जाता है कि मैं देर रात को खाता हूँ। बाकी सबको हम कहते हैं जी जल्दी खा लो, लेकिन मैं खुद ही रात को 10 साढ़े 10 बजे आ रहा हूँ तो 11 बजे खाता हूँ। पिछले 6 साल में बता रहा हूँ भैया, पहले का तो नहीं पता, पहले कई बार रहा होगा, परेशानी होती होगी, आदमी मन मार के रह लेता है, सुबह काम पे चला जाता है। मैंने तो एक प्रैक्टिकल जीवन में देखा है कि हम बहुत सारी समस्याओं को अपने मतलब जिम्मेवारियों के साथ समस्याओं को भूलते हुए जिम्मेवारी निभाने चले जाते हैं। कई मतलब एक आलसियों में से एक आलसी मैं हूँ, मैं भी था, कि अगर कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सुबह डॉक्टर के पास जाने के बजाय काम पे चले गए, 1 2 दिन 3 दिन ऐसे किए, फिर वो अपने आप दर्द खत्म हो गया, या बहुत ज्यादा बढ़ा तो मैं तो खैर मेरी नौबत नहीं आई। 2014 में एक बार हुआ था कि कमर के दर्द से उठा नहीं जा रहा था, चला फिरा नहीं जा रहा था, तो ऑफिस तो चला ही गया, हॉस्पिटल जाने के बजाय ऑफिस ही गया। लेकिन ऑफिस में जब पहुंचा तो वहां पे कोई आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक ना सुजॉक थेरेपी करते हैं पीतमपुरा में, आप वहां जाके दिखा लो। तो शाम को निकलते हुए मतलब किसी तरीके से बाइक धीरे धीरे करके वहां जाके दिखाया था। तो कहने का मतलब कि जिम्मेवारियों के कारण हम बहुत सारी शारीरिक व्याधियों को अनसुना कर देते हैं। और खाना खाने के अब लिए फिर इसमें मैंने एक और प्रॉब्लम है, मान लो उन्होंने, ये मेरा क्वेश्चन भी है मतलब प्लस लोगों के साथ भी हो रहा है, हो क्या रहा है जब हम रेगुलरली पाचक वाली चीजें लेते हैं ना, जैसे अजवाइन गुड़, और कई लोग तो चूर्ण भी ले रहे हैं, कई कई तरह के नक्सभूमिका लेते रहते हैं, मतलब जिसको नक्सभूमिका पता लग गई ना वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ना नक्सभूमिका ले लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, और होता क्या है वो उसको 10 दिन ठीक फायदा करती है, फिर 11वें दिन उसको दिक्कत करती है, क्योंकि उसने अब खाया ही उल्टा है। अब ये थोड़ी है कि भाई तुम तो परांठे पे परांठा खाए जा रहे हो दिन में 4-4 बार, और सोचते हो कि नक्सभूमिका क्लियर कर देगी, अब वो हर चीज तो वो क्लियर नहीं करेगी। तो अब एक तो नियम प्लस पाचक रस लेते रहने से हो क्या रहा है, जब वो उनको फिर नींद आती है, क्योंकि आंतों पे लोड पड़ता है, आंतों को प्रोसेसिंग ज्यादा करनी पड़ती है ना, ये बात भी है, तो इस पे क्या बोलोगे, मतलब कि क्या उनको, मतलब नियम तो फॉलो देखो करना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ, अपने जैसे हमारे जैसे नॉर्मली क्या है कि हम कुछ भी खाते, मैं नहीं कहता, देखो जी हर इंसान के घर में एक जैसा चीज नहीं बन सकता, और पांचों आदमियों के लिए उसके शरीर के हिसाब से नहीं बन सकता, ना ही उसकी प्रकृति के हिसाब से भोजन बन सकता है, ना ही कई बार क्या होता है कि असुविधाओं के कारण, कई बार शौक के कारण हमारा भोजन खान पान बदलता रहता है, समय भी बदलता रहता है परिस्थितियों को देख के। लेकिन एक चीज जो हमारे हाथ में है, आप खाना खाने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि दवा खा के आदत डाल रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप वज्रासन में बैठ के 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं, खाना खाने के बाद 1000 2000 कदम चल लें। तो जो खाना पचाने के लिए आपको अलग से औषधि लेने की जरूरत पड़ रही थी, उन औषधियों की मात्रा आपको कम जरूरत पड़ेगी। वो उसी दिन जरूरत पड़ेगी जिस दिन आपको लगता है कि हाँ आज मैंने बहुत ज्यादा हैवी खाया। जैसे आप हम लोग एक दिन गए थे, बताए थे, अब स्वाति के घर हम गए, वहां से हमने कुछ ज्यादा खाया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पैदल चले। आपको पता है उस दिन हम कितना पैदल चल गए थे, 5 6 किलोमीटर, 4 5 किलोमीटर तक पैदल निकल गए थे बाद में। उसके बावजूद भी वो खाया पिया पेट को तंग कर रहा था। तो घर आने के बाद फिर अजवाइन या जो भी चीजें हैं अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हर इंसान ने लिया, और अगले दिन हम लोग ठीक ठाक, पता ही नहीं चला कि हमने कोई गलती करी, लेकिन वो गलती हमें आज भी याद है, तो उससे हम सीख सकते हैं।
उससे हम सीख सकते हैं। तो अजवाइन और काला नमक और अजवाइन और गुड़ दोनों अलग अलग बारी बारी से करना है। जैसे कुछ दिन अजवाइन गुड़ का, और खाने के बजाय उसका पानी बना के पिया जाए तो और अच्छा। अगर हम पानी बना के पीते हैं तो धीरे धीरे हमारे पेट को, मतलब जस्ट लाइक अपने पानी है हमारे लिए, वो दवा का, पेट के लिए तो दवा जैसा है, लेकिन हमारी आदत के हिसाब से पानी है। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आप अजवाइन एक कप पानी में 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी काला नमक का पाउडर डाल के उबाल लो और गरम गरम चाय की तरह पी लीजिए खाना खाने के बाद भी तुरंत। और सबसे बड़ी चीज है कि हम खाना खाने के बाद अगर चाहते हैं कि बिना दवा के ठीक हो तो वज्रासन में बैठें, 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठें। जो जो लोग नहीं बैठ सकते वज्रासन में, तो ये अपना क्या नाम है, जो ग्वालियर की वैद हैं, उन्होंने जो बताया था पीछे बीच में तकिया लगा के, भाई मोटे लोग कह सकते हैं जी मुझसे तो बैठा नहीं जाता, तो आप उसी तरीके से बैठो, बीच में इतना तकिया डालो जहां तक कि आपको दिक्कत ना कर रहा है। और टहलना जरूरी है। आज के समय में होता है क्या, खाना खाए बगल में बिस्तर है, तुरंत वहीं बिस्तर पे लेट गए, भी काम पे जाना है, सुबह काम पे जाना है, लेट हो गया है, लेकिन लेट हो गया है बैठ के टीवी के साथ मोबाइल के साथ 10 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे। तो भाई वही 10 15 मिनट 20 मिनट आप मोबाइल और टीवी के साथ लगे हो, आप टहलते हुए लगे रहो। दवाइयां तो ये बात सही है कि दवा कोई भी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो होम्योपैथ हो, दवाइयों की आदत तो डालनी नहीं चाहिए, जरूरत पड़ने पे दवाई खानी चाहिए बस। जैसे ही आपको उस दवा से आराम मिल गया, ऐसी समस्याएं जो आपको, मतलब गंभीर रोग नहीं है, गंभीर रोग है तो उसके लिए तो पूरा आपको गंभीरता से लेनी पड़ेगी अपनी हर चीज। लेकिन अगर गंभीर रोग नहीं है और गैस की समस्या है, पेट दर्द की समस्या है, कब्ज की समस्या है, इनमें आप दवाई ले रहे हैं 2 4 दिन ले लें, उसके बाद 1 2 दिन फिर छोड़ के आप देखें कि आपको कहाँ तक है। और थोड़ा सा खान पान में, आप हर चीज को, मैं किसी को ये कहूँ कि यही चीज खानी है ये गलत है, भाई सामने वाले को क्या मिल रहा है वो जरूरी है, उसी को पचाने का प्रयास करें। तो पचेगा कैसे, अजवाइन के बारे में कहा जाता है 100 तरह के अणु को पचाने की शक्ति है अजवाइन के। और राजीव भाई ने गुड़ के बारे में बोला था कि अगर आप खाना खाने के बाद चीनी खाते हो तो खाए हुए जो खाना, हमारी जो एनर्जी बनी है वो सारा एनर्जी चीनी को पचाने में लग जाएगा, मतलब चीनी से बनने वाला मीठा, और चीनी अगर हम खाते हैं तो जो हमने खाया है उससे बनी हुई एनर्जी उसको पचाने में लग जाएगी। लेकिन अगर हमने गुड़ खाया है तो गुड़ खुद पचेगा और उससे जो एनर्जी तैयार होगी वो आपके खाना खाने, जो आपने खाया है उसको पचाने में लगेगी। इसीलिए कई सारे, मतलब मैं तो अब बहुत कम जाता हूँ, पहले जब आए दिन जाता रहता था बाहर खाने, तो सौंफ और मिश्री होती थी, और कई जगहों पे मैंने सौंफ और गुड़ ही देखा है। तो यानी जो समझदार थे सौंफ और गुड़ रखते थे, और दूसरे जो थे सौंफ और चीनी या चीनी का जो बड़ा सा रूप है, छोटे छोटे मिश्री वाले टुकड़े, वो रखते हैं। और जितना जितनी भूख है ना उससे एक हिस्सा कम कर दो। वही अगर वही सुनो हमने सुनो वही तो नहीं कर पाते लोग, यही कृपा अटकी है सबकी। मतलब ये क्या है ना कि वो कहने को देखो 1 2 दिन करेगा आदमी, ठीक है, और वो उसको बढ़िया भी लगता है, वो अनुभव भी भेज देता है, बाद में वो क्या करता है, वो जीभ का स्वाद बोल लो या मन का, मन पे कंट्रोल नहीं होता तो वो उतना ही खाता है जितना उसको वो जो डकार वाला लेख है ना, जब उसको फीलिंग नहीं आ जाती ना जब तक कि भाई हो गया, तब तक वो रुकता नहीं है खाते वक्त, ठीक है, ये चीज है। और भैया फिर ऐसे ज्यादा हो ये जाता है, फिर ज्यादा हो गया तो फिर वो तंग करेगा। हेलो, नमस्कार भैया जी। 1 मिनट मैं पहले इनको, भैया एक बार ये भी आपको जी बता दूं, ईमानदारी से कोई भी इंसान, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन, 21 दिन अपने आप को करना है हर काम को। जिस दिन आपने 21 दिन करना है, जितनी आपको 4 रोटी खाने की इच्छा है, आप 4 पराठे खाने की इच्छा है, 4 पराठा खा सकते हैं स्वाद, भाई 21 दिन मन मार के एक हिस्सा कम कर दो। जैसे ही एक हिस्सा कम करेंगे ना, थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद आपको प्यास लगेगी, मतलब उस भूख को पूरा करने के लिए पानी मांगेगा,
और वो पानी जब हमारी हमारी क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से हमारी पानी की मात्रा कम होती जा रही है। अगर हम जिस तरीके से बात करें, पहले कहते हैं यार प्यास पानी पी के तो प्यास वो भूख पूरी कर रही है, तो पानी की मात्रा हमें हम लेके अपनी पानी पूरी कर लेंगे, क्योंकि पानी ही सबसे ज्यादा है जो आपके अगर हम पानी कम पियेंगे तो किडनी पे बहुत ज्यादा भार पड़ता है फिल्टर करने में। सॉलिड चीज खाए, खाना खाया, कुछ भी खाया, सॉलिड खाया और उसके बाद हमने पानी नहीं पिया, 1-1.5 घंटे बाद वो पचने के बाद जो पहुंचा होगा अमाशय में से बड़ी आंतों को, जो आंतों में झिल्ली लगी है गट्स बोलते हैं, वो सारे शोषण करता है, उसको सोखता है सॉलिड पार्ट। लेकिन अगर वो पानी रहेगा तो किडनी को भी भार कम पड़ेगा, बड़ी आंतों को भी भार कम पड़ेगा और उतनी 28 फीट की नलियों में घूमने में आसान होगा। सॉलिड पार्ट को वहां मल द्वार तक पहुंचने में बहुत ज्यादा भार पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी पानी की मात्रा ज्यादा हो, अगर हम पानी अच्छा खासा पीते हैं तो 28 फीट की अगर सीधी नली होती ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, वो है भी घुमावदार, जो बड़ी आते रखी हुई है ना वो सांप की तरह ऐसे घुमावदार में है, भाई एक जगह से आया नीचे वाले पोर्शन में चला गया फिर वहां से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। वहां से ऊपर जाने के लिए हमारा अपान वायु जो भी वायु है बात है वो चाहिए, वो कम पड़ रहा है। तो पानी एक ऐसी चीज है कि वो अपने प्रेशर से उसको थोड़ा सा आगे धकेल सकती है। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल है, मैं तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, एकदम साधारण सी भाषा में, हम जितना भोजन भूख है उससे थोड़ा सा कम खा के बाकी का पानी पी लो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद। अगर तुरंत पानी पीने की इच्छा हो रही है तो सादा पानी ना पिए बस, चाहे वो आप अजवाइन से बना हुआ पानी पी लें, चाहे वो दालचीनी का बना हुआ पानी पी लें, लौंग का बना हुआ पानी पी लें, मेथी का बना हुआ पानी पी लें, कुछ भी पी लें, लेकिन सादा पानी ना पिए। और ये मैं 5 साल के अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि रात को मैं लेट खाता हूँ फिर भी मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी बताइए, किन का प्रश्न था? अभी कोई प्रश्न कर रहे थे कि आप सुन पा रहे हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी गोविंद भैया जी, वंदे मातरम जी। गोविंद भैया जी, मेरी सिस्टर मैं आपकी बात उनसे करा देता हूँ तो वो बताएंगे आपको बस। लो नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। मैं कह रही भैया जी मेरे को थोड़ी गैस बनती है, दर्द होता है कमर में को और फिर पीरियड भी मुझे खुल के नहीं होते। ठीक है, कितनी उम्र है बहन? 22 साल है। 22 साल है। वजन? 62 लंबाई? 5 फुट मेरे को 2 इंच कम। हाँ जी, 5 फुट मेरे को 2 इंच ही कम है। मतलब 5 फुट में 2 इंच ही कम है जी। देखो बहन, अगर मासिक धर्म में समस्या है और साथ में पेट की समस्या है जी। तो मैं सीधे बाकी सारी बातें नहीं बताना चाहता, लेकिन एक चीज की विनती कर रहा हूँ कि आप लोग अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के ना राजीव भाई के पानी पीने के 4 नियमों के बारे में सुन लें, और सुनने के बाद जैसे आपने अभी तक क ख ग घ 1 2 3 4 ABCD लिखना नहीं भूले हैं, उस तरीके से उस नियम को अपने जीवन में पालन कर लें। मैं खाने पीने की बातों को नहीं कर रहा क्योंकि 140 करोड़ और 800 करोड़ की आबादी है पूरे ब्रह्मांड में, हर किसी का अपना अपना है, हर किसी की अपनी सुविधाएं हैं, हर किसी की वो चीजें हैं, उस चीज के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक जैसे हम रोड पे चलना है तो मालूम है कि हमें बचपन से सिखाया गया कि बाईं तरफ चलो, ठीक है। बंदा चाहे जितना मर्जी होगा, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होगी ना तभी वो उल्टी साइड चलेगा, मतलब दाहिनी साइड चलेगा। इमरजेंसी होगी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तो, या कोई रास्ता ही नहीं रह रहा होगा तभी उस तरफ से चलेगा।
नहीं तो ऑटोमेटिक हमारा आदत बन गई है कि हम बाई तरफ चलते हैं। तो ये इस तरीके से पानी के नियमों का, क्योंकि मैं खुद इस चीज का गवाह हूं, तो अब पानी के नियमों का मैं यहाँ पे दोबारा विवरण नहीं दे रहा, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करके आप उस ऑडियो को निकालें, कहीं भी गूगल पे सर्च मारें, यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको राजीव भाई का पानी पीने के चार नियमों का विश्लेषण मिल जाएगा। आप उसको सुन के उसको पालन करें और अपने लिए एक औषधि बनाएं रसोई घर के मसालों से, जिससे आपकी मासिक धर्म की, गैस की, अपच की ये समस्या दूर हो जाए। इसके लिए आपको मिलाना है मेथी दाना जी, अजमाइन जी, सौंठ जी, और किलौंजी। हाँ, अगर किलौंजी नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ तीन चीजें ले लो, अजमाइन, मेथी, सौंठ, ये तीनों ले लो बराबर मात्रा में। अजमाइन, मेथी, सौंठ, ये तीनों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लो, ठीक है। इसमें से आधा चम्मच पाउडर गर्मी के मौसम में रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसमें थोड़ा गुड़ मिला के उबाल के छान के पी जाओ। छान के पी सकती हो, बिना छाने पी सकती हो, इसी तरीके से सुबह करके शाम को। और कभी तकलीफ ज्यादा हो, एट ए टाइम बहुत ज्यादा गैस वगैरह बन रही है, दिक्कत कर रहा है, तो आप अपना इसी पाउडर में थोड़ा सा काला नमक मिलाना, फंकी ले लो, पीछे से गुनगुना पानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है। इससे आपकी पीरियड की समस्या भी ठीक हो जाएगी और गैस जो बनती है बहुत ज्यादा उसी की भी समस्या दूर हो जाएगी। और मासिक धर्म के दिनों में आज आप सभी को मैं, मतलब जितने भी बहने हैं, भाई हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि राजीव भाई का ये वाला ज्ञान कि मासिक धर्म की समस्या, मासिक धर्म के दिनों में अगर किसी भी माँ बहन बेटी को कोई तकलीफ होती है तो गर्म पानी में घी डाल के पीना ना भूलें। ये एक ऐसा हो सकता है कि 100 में 90 लोगों को ये पूरी तरह से राहत दे दे, 10 को ना दे, तो कम से कम आपने 90 की तो मदद करी। हमारा देखिए, मैं यहाँ पे 5 सालों में देखा हूँ कि जितने भी आते थे मासिक धर्म में इंजेक्शन लगा के अपने पेन को दूर करते थे, उन सब में गर्म पानी में घी डाल के पीने से पहली खुराक से ही वो ठीक हो गए। मतलब किसी को 2-3 खुराक लगातार ले लिया, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल हजारों या लाखों की संख्या में मैंने बात करने के बाद 1 या 2 के केस में ही गर्म पानी में घी डाल के पीने से उसको राहत नहीं मिली। नहीं तो बाकी लोगों का तो इंजेक्शन ही और टेबलेट ही छूट गया जो पेन किलर खाते थे, लेकिन 1 या 2 केस में नहीं हुआ, उनके लिए फिर आयुर्वेदिक और होम्योपैथ या घर की ही 2-3 और अलग औषधि बना के उनका सेवन कराया। तो हाथ जोड़ के विनती आप लोगों को कि आप अपनी सहेलियों को, मतलब रिश्तेदारों को, जो भी आपकी माँ बहन बेटी हैं और मासिक धर्म है, उनको कहे कि मासिक धर्म के 4-5 दिनों में आप जब भी रहती हैं गर्म पानी में घी डाल के पिए, आपको तकलीफ है तब भी और नहीं तकलीफ है तब भी, क्योंकि मासिक धर्म के दिनों में ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने चाय पीना छोड़ दिया। ईमानदारी से बताओ, चाय पीना तो नहीं छोड़ते, नहीं दवाइयां खाना नहीं छोड़ते, खाना खाना नहीं छोड़ते। तो भाई एक चीज अपने जीवन में, क्योंकि मैंने उस वक्त एक हिसाब लगाया, एक माँ बहन 14 साल से 50 साल की उम्र में 36 साल 36 साल × 12 महीने, मतलब 36 साल के 12 महीने 4 दिन, हम उनके जीवन का कितने दिन, मतलब समझो कि उसके जीवन का एक हिस्सा हम उनको सुख दे सकते हैं सिर्फ इस फार्मूले से कि आपको अपने मासिक धर्म के दिनों में गर्म पानी में घी डाल के चाय की तरह पीनी है। अगर जिनको तकलीफ है वो दिन में 3-4 बार पिए, जिनको तकलीफ नहीं है वो कम से कम 1 बार पिए। जी भाई, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की, मतलब आप कम से कम ये बातें 100-200 बहनों तक पहुंचाएंगी, उनमें से 50 बहन को फायदा होगा या कोई तकलीफ रह रही होगी उसको फायदा मिलेगा, वो आगे अपनी सहेलियों को, रिश्तेदारों को पहुंचाएगी। जी। जी, और किसी का कोई सवाल? वंदे मातरम गोविंद।
वंदे मातरम। गोविंद मुझे ये पूछना था, जैसे नहाने के बाद हमें लिक्विड ले सकते हैं, जूस या कोई गन्ने का जूस या वैसे, या नहाने से पहले लेना चाहिए? ये कभी भी ले सकते हैं, खाने जो हल्का भोजन है ना, हल्का वो आप कभी भी ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में मतलब कोशिश करें कि सर्दियों के मौसम में ना लें। अब सर्दियों में कम से कम आधे पौने घंटे बाद लें, तो ऐसे भी कोई ऐसा थोड़ी है कि इतनी, तो हर किसी के साथ है ये प्रैक्टिकल वाली बात है कि हर किसी के साथ नहाने के तुरंत बाद ऐसा थोड़ी कि दरवाजे के बाहर निकला और उसके पास जूस रखा हुआ है। ठीक, कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं और 15-20 मिनट में बॉडी अपने आप टेम्परेचर में आ जाता है, इसलिए इस चीज को तो हम कभी मना कर ही नहीं सकते कि हम नहीं ले सकते। हाँ, वो जो स्विमिंग पूल में लेट घुसे घुसे जो पीते हैं ना, उनको जरूर कह सकता हूँ कि भैया आप लोगों से विनती है कि ये शौकिया काम कभी कभार कर लो, रोज रोज मत करना, कि स्विमिंग पूल में अंदर है और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ऐसे खाने के बारे में, जैसे ना के खाना चाहिए या खा के नहाना चाहिए? नहाकर खाना चाहिए, नहाकर खाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये मैं अगर सिंपल सी बात करें, कहीं किताब की बात नहीं करता हूँ, परंपराओं में भी यही सुनने को मिलता था दादा दादी से, जहाँ हाथ पैर धो के नहा ले फिर खाना खाते हैं। तो खाने में जैसे कुछ भी हो, लिक्विड हो या फिर सब्जी रोटी जैसे? हाँ दीदी, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारे यहाँ ना सर्दियों में ना महाशिवरात्रि, वो क्या होता है मकर संक्रांति होता है ना, उस वक्त ठंड का मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है 14 जनवरी को। और पूरे बिहार की परंपराओं में कहता हूँ कि सुबह हमें नहा के ही खाने को मिलता था, बिना नहाए तो वो चूड़ा दही हमें नसीब ही नहीं होता था। ठंड भी है, नहाना भी पड़ता था और चूड़ा दही खाना भी पड़ता था। अब और उस चूड़े को पहले पानी में या दूध में भिगो के फिर उसके दही और गुड़ डाल के खाते थे। एक तरफ से हम लोग बचपन में कांप रहे होते थे, आज तो चलो हमारे पास बंद घर है, हम अंदर कमरे में बैठ के खाते हैं, पहले तो हमें आंगन में या बरामदा टाइप का होता था उसमें बैठ के खाते थे, तो कांप भी रहे होते थे और खा भी रहे होते थे। ओके, तो मेरी जैसे इन्होंने पूछा कि ये नहाने के बाद जैसे अभी थोड़ा गुनगुने पानी से नहाते हैं, तो अगर कोई चीज ले लो ना ठंडी, जैसे फ्रूट या वो, तो थोड़ा टेम्परेचर लगने लगता है, तो मतलब कितना जैसे ब्रेक देना चाहिए? जैसे आपने बोला 15-20 मिनट, वो तो मालूम है कितना लग जाता है बाहर आने के बाद, तो सफिशियंट है इतना? देखो, आप सर्दियों में नहाओ या गर्मियों में नहाओ, ये 100% श्योर है कि 10 मिनट के बाद बॉडी अपने उसमें आ जाती है, सिवाय अगर वो कोई किसी रोग से ग्रसित ना हो तो। ठीक है। मतलब वो भी रोग कौन सा? बुखार का। ठीक है, बुखार के रोगी को जरूर कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन नॉर्मल क्या है, हमारे पैर में दर्द है और हम गए नहा के निकले, उसके बाद कपड़े हाथ पोछ पोछे खाना खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, होती ही नहीं दिक्कत। ये जस्ट वो किशमिश वगैरह लेते हैं ना भिगो के, या फ्रूट वगैरह खा लिया, तब थोड़ा लगता है टेम्परेचर, तो इसलिए पूछूं कि इतना क्या बहुत है ना? 10 मिनट आप कह रहे हो कि हो जाता है कवर अप? हाँ, 10-15 मिनट। देखो, हम ना जीवन को, मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हम लोग जीवन को ना दूसरे तरीके से हम करते जा रहे हैं। बहुत जो हंसते खेलते वाला जीवन है ना, उसमें भी हम वो ढूंढ रहे हैं, मतलब कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं मतलब इतना ज्यादा, अभी आज एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था चिंता से लड़ना सीखें, और ये जो छोटी छोटी बातें है ना, ये चिंता ही है, ये छोटी छोटी जो बातें, रफ एंड टफ, हमें जो ध्यान देने वाली बात है, भाई हमने गलत चीज जब करी नहीं, हमने किसी से झूठ बोला ही नहीं, तो हमें याद रखने की जरूरत क्या है? हम जब गलत खा पी नहीं रहे हैं, हम अपने जितनी इच्छा है उसके विपरीत हम नहीं खा रहे हैं, ज्यादा नहीं खा रहे हैं, हम जो जन समान तौर पे जो हमारी परंपराओं में कहा गया है कि जिस दिन जीजा जी आएंगे उसी दिन पूड़ी बनेगा, जिस दिन मामा मौसा आएगा उसी दिन पकवान बनेंगे, तो जब हम ऐसा काम कर ही नहीं रहे, हम रोज रोज तली पके हुए चीजें नहीं खा रहे हैं, मतलब तली हुई चीजें नहीं खा रहे हैं, तो फिर इतनी कोई हाय तौबा नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि आज हम पकी, पहले तो पकवान होते थे आटे के ही होते थे, आज वही पकवान मैदे के बन गए। पहले पकवान बनते थे रिश्तेदारों के आने पे और हमें खाने को मिलता था, तो एक तो आटे का होता था और दूसरा घी या तेल का होता था।
आज पकवान रोज हो गए हैं और रिफाइंड हो गया है और उसकी वजह पे मैदा हो गया है, इसीलिए हम ज्यादा हमारी जो शारीरिक तकलीफें हैं पहले की अपेक्षा ज्यादा है और श्रम कम होता गया। पहले श्रम भी था, हमने पकवान कुछ खाया तो पता चला जी शाम को जीजा जी जो आए थे उनको बाजार लेके जाना है पान खिलाने, 5 किलोमीटर पैदल जाओ तो जो यहाँ खाए हो रास्ते में पच जाएगा, फिर आओगे फिर शाम को खाना। अब क्या हो रहा है, अब खुद ही देखो ना, एकदम छोटी छोटी चीजें, श्रम खत्म हो रहा है, हमारा श्रम तो है ही नहीं। लोग कहते मैंने तो योग कर रहा हूँ प्राणायाम कर रहा हूँ, योग प्राणायाम में श्रम नाम की चीज है कहाँ, पसीना कहाँ बहा। पिछले 5 साल से मैं आया हूँ, 5 साल से इस लाइन में आने के बाद पूरी दुनिया पूरा भारत योग और प्राणायाम कर रही है, फिर भी अंग्रेजी दवाई खा रही है। योग का प्रचार प्रसार करने वाले बड़े बड़े विद्वान भी अपनी दवाइयां ही खा रहे हैं और एलोपैथी ही खा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एलोपैथी भी खा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ, और अपने जीवन के 2 घंटे को खराब करके, इससे तो अच्छा हमारा बाप दादा था, कम से कम भाई सुबह अगर जाना है खेतों को देखने जाना है पैदल एकदम चले गए खेत देखने, नहीं भी काम धंधा है, पता चला मुझे मालूम है वहां पे मालूम है कि कुछ नहीं हो रहा है वहां, कोई खेत में जाके चोरी नहीं कर रहा है, फिर भी लाठी लेके दादा निकल गए खेत की तरफ। वो क्या कर रहे थे, वो श्रम कर रहे थे। हम श्रम से एकदम बचे हुए हैं, हर जगह थोड़ी सी कुछ जगह चाहिए, कहीं भी जाना है ना है 1 किलोमीटर पैदल चलने के नाम पे नानी याद आती है, घर से बाहर निकला रिक्शे पकड़ लिए, मतलब जो भी चीजें जिसको जो सुविधाएं हैं सब, कोई स्कूटी उठा लिया मोटरसाइकिल उठा लिया चल पड़े, ठीक है। समय का अभाव है, जिसके पास समय का अभाव है वो साधनों का इस्तेमाल करे, और साधनों का इस्तेमाल कर रहा है तो अपनी फिर खान पान का ध्यान रख ले। गोविंद, एक क्वेश्चन ये है कि गन्ने का जूस किस टाइम लेना चाहिए, खाना खाने से पहले या बाद में? देखिए जूस तो दीदी गन्ने का, ऐसे हम अगर दूसरी तरीके से देखें राजी भाई के हिसाब से, तो मैं उनसे बात करूं, उन्होंने बोला कि सुबह का खाना खाने के बाद आप जूस पिए तो उस टाइम पे तो आप ले सकते हैं, और ऐसे अगर आपको कभी भी लेना है तो गन्ने का जूस या कोई भी जूस शाम होने के बाद ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, जैसे दोपहर को खाना खाने के हाँ, बाद। दोपहर खाना खाने के बाद छाछ पीते हैं, छाछ की उपलब्धता नहीं है और जूस पीने का मन है तो जूस पीजिए, और गन्ने के जूस में अगर चूना मिला के पिया जाए। अब यहाँ पे देखिए मैं पथरी, जिसकी शिकायत है ना पथरी बनी हुई है उसको तो चूना नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन अगर जिसको पथरी कभी रही भी होगी तो वो भी थोड़ा सा नगण्य मात्रा में, मैं कहता थोड़ा सा ही डाल दे, एक जीरे के बराबर डाल दे, उतना कैल्शियम तो फिर भी पच जाएगा, इतनी दोनों किडनियों में जान होती है कि जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर निकाल देता है, तो इससे क्या होता है कि जीवन में कभी पीलिया नहीं होता, जॉन्डिस ठीक, नहीं होता, लीवर सोराइसिस नहीं होता। लीवर सोराइसिस लीवर के सभी रोगों में से खतरनाक रोग माना जाता है, लीवर का पूरी तरह से कड़ा हो जाना और लीवर में पस बनना, ठीक, गन्ने के जूस में। और ये मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है गन्ने का, अभी पूरी गर्मी गन्ने के मौसम का, और सामने वाला अगर आपके सामने बना रहा है तो उसको बोलो भाई थोड़ा पुदीना धनिया अदरक नींबू ज्यादा डाल दे, यही एक जूस है जहां पे आपको नींबू के छिलके का रस भी साथ में मिल जाता है, क्योंकि वो नींबू का रस नहीं डालता, पूरा नींबू काट के ही उसको रस में ये कर देता है। खाली पेट ले सकते हैं ये वाला, जैसे राजीव दीक्षित जी की वीडियो में देखा था, वो कह रहे थे अगर चूना डाल के लो खाली पेट तो वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहता, मतलब कभी होगा नहीं ये रोग। ये ऐसा देखो कोई चीजें, ये सारी चीजें जो है ना दीदी, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, आपको सुबह सुबह जूस जो पीते हैं ना, ठीक है, हाँ जी, ये ऑफिशियल लोग पिए तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, कुर्सी कौन से? अच्छा, तोड़ने वाले लोग, कुर्सी तोड़ने वाले लोग, कुर्सी तोड़ने वाले, मतलब जो बैठे उसका काम रहते माइंडली होता है, जो ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते, केवल कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर काम करना, हैं। अच्छा, ज्यादा काम ना करना, वो कुर्सी तोड़ने वाले लोग होते हैं जिनका मेंटली वर्क ज्यादा होता वो है, पूरे दिन उन्हें भी कुर्सी जूस पे रहेंगे ना तो उनका काम चल जाएगा, चल पूरे जाएगा। दिन भी अगर वो जूस पे रहेंगे फल पे रहेंगे ये तो होता उनका, क्योंकि उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए नहीं,
अच्छा, तो ये मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर मेरे को मेहनत है, मेहनत चाहिए होती है। आज का मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मेरे घर में आज महाशिवरात्रि का व्रत था, सुबह सबने बोला रात को हाँ जी व्रत रखना, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, मेरे से तो होता नहीं था बात है। वो मेरे ख्याल से 10-11 बजे ग्लोबी न्यूज वाले आए, उन्होंने थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन पे बात करी, इंटरव्यू लिया, और उनके लिए हमने घर का जो थोड़ा सा नाश्ता था वो रखा, और वो नाश्ता मैं भी चटक कर गया, तो मेरी धर्मपत्नी ने बोला हाँ हो गया तुम्हारा व्रत। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितना ही खाया हूँ इतना ही खाया रखूंगा। फिर 2-2:30 बजे तक वही खा, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई मुझे तो काम करना होता है, शारीरिक भी, पारिवारिक मतलब मेहनत भी और मानसिक भी। मैंने तो फिर खाना बिटिया बनाई, चावल दाल, और हमने आराम से चावल दाल खा लिए। अब मेरे मैं जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, एकदम प्रैक्टिकल जीवन अलग है, किताबें और ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के ना, अभी नहीं बेटा, ये चीजें हैं। और जूस पीना बहुत, मैं तो हमारे तो ऑफिस में आता है इस टाइम पे तो गन्ने का जूस, जब भी गन्ने वाला जाता है चाहे वो दिन में 4 बार भी गुजर गया ना, तो मैं 4 गिलास पी लेता हूँ। फैट नहीं बढ़ाता ना भैया ये? नहीं। ठीक है, और आपने बोला था जैसे कि कंटिन्यू नहीं करना चाहिए इसे, 3 महीने से ज्यादा बोला था ना? कंटिन्यूटी में तो वही चीजें होगी ना, जब तुम क्या सालों थोड़ी मिल रहा है, ईमानदारी से सालों नहीं मिलता, सालों लेने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, कहीं जाके किसी मॉल वाले के पास और किन्होंने स्टोर कर रखा है उनसे लेना पड़ता है। भाई आता ही हर चीज का मौसम 3 महीने का, सालों मौसम तो सिर्फ चावल दाल रोटी सब्जी का है, जो सालों मौसम है वो चावल दाल का है, रोटी सब्जी का है, भोजन का है। ये जो चीजें फल आती है, अमरुद है, सेब है, संत मतलब जो सीजन है वो सीजन पे ही आते हैं। ये तो हमारे व्यवसायियों का और जो हमारी मतलब बीमार करने वाले लोगों की सोच का नतीजा है कि हमारे लिए सालों हर चीज उपलब्ध करा दे रही है। नहीं तो प्रकृति ने अंगूर को सालों उपलब्ध कराने के लिए किशमिश और मुनक्के का रूप दे दिया, लेकिन उन तीनों चीजों में, अंगूर में, किशमिश में, मुनक्कों में 70% समान गुण होते हुए उन दोनों में 30% अलग एक्स्ट्रा गुण है। जिस टाइम पे आपको अंगूर नहीं मिलता और उस टाइम पे मुनक्का मिलता है, तो उस मुनक्के को उस समय होने वाले रोगों से बचाने के लिए होता है। आपको टाइफाइड हो जाए, और टाइफाइड की सबसे अच्छी दवा है, अगर सबसे अच्छा जो है वो मुनक्का है, तो मुनक्का, अब जिस टाइम पे टाइफाइड सबसे ज्यादा होता है उस टाइम पे अंगूर होता ही नहीं। तो भैया टाइफाइड में भी भिगो के देना होता है जैसे लेते हैं भिगो के? अलग अलग थोड़ा सा प्रावधान है। सबसे अच्छा तो अगली टाइफाइड में तो सबसे टाइफाइड का सबसे अलग अच्छा उपचार है। टाइफाइड मतलब आंतों का ज्वर, आपके पेट के अतड़ियों में बुखार पहुंचा हुआ है, वहां पे गर्मी पैदा हो रखी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ही कहा जाता है कि एक तो अगर सबसे गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकता कुछ भी, तो सिर्फ उबला हुआ पानी पिए, उबला हुआ पानी, कच्चा पानी नहीं पीना है। मतलब पानी को भी पचाने के लिए उसको भार पड़ता है, इसलिए उसका रोग बढ़ते रहता है। और हल्का भोजन करना है, तो हल्का भोजन, मुनक्का हल्का इसलिए है कि खुद पच रहा है, मतलब इसके अंदर कब्ज को दूर करने की ताकत है, इसके अंदर एनर्जी है। लेने के अलग प्रावधान में थोड़ा सा इसको अलग एक्स्ट्रा चलते हैं कि इसमें गुण कैसे बढ़ जाए कि हमारा टाइफाइड पूरी जल्दी खत्म हो जाए। तो इसी के साथ एक औषधि आती है जो राई जैसी होती है, उसका नाम है खूब कला। खूब कला को भैया राई जो होती है वो ये जिसको मस्टर्ड सीड बोलते हैं उसको बोलते हैं? मैं खूब कला की बात कर रहा हूँ, राई जैसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो है। तीन तरह की होती है, एक तो सरसों होती है जिसका सरसों का तेल निकलता है, एक राई होती है छोटे छोटे लाल दाने होते हैं, और एक भाई जी जो बताना ना खूब कला है, पूप कला जिसे कहते हैं, वो उससे भी ज्यादा बारीक दाने होते हैं। ये तीन तरह की होती है, उसके जैसे ही एकदम बारीक दाना होता है, तो उसको मुनक्के का बीज, मुनक्के में से बीज निकाल दो, उसके अंदर इसको हल्का सा रखोगे उसके चिपक जाएगा, और उसको तवे पे गर्म करके, छोटा बच्चा है तो 2-3 पीस हर 2-3 घंटे पे दे दो, बड़े हैं 5-6 पीस हर 2-3 घंटे पे दे दो, 2-3 दिन में टाइफाइड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके साथ ही काली मिर्च इसी तरीके से मुनक्के के अंदर डाल के, काला नमक डाल के गर्म करके खाना चाहिए। अब जिनको खूब कला नहीं मिल रहा है, वो काली मिर्च और काला नमक दोनों मुनक्के में चिपका दिया,
तवे पे हल्का सा गर्म किया, दो चार दाने हर दो दो घंटे तीन तीन घंटे पे खाते रहो, खाना खाओ ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कमजोरी आएगी ना कुछ आएगा, पेट की आंतों की सही हो जाएगा। और पानी, उबला हुआ पानी पियो, उबला हुआ पानी अच्छा है, सादा पानी उबाल के पिए, नहीं तो लौंग डाल के उबाल के पिए, नहीं तो दालचीनी डाल के उबाल के पिए, नहीं तो जीरा डाल के उबाल के पिए, सौंफ डाल के उबाल के पिए, मतलब कुछ ऐसी चीजें। अब कल परसों किसी ग्रुप में मैसेज आया कि भैया रक्त श्राव में हमने फिटकिरी का प्रयोग करवाया, फिटकिरी उससे रक्त श्राव में तो आराम मिला लेकिन कमजोरी नहीं जा रही। तो मैंने कहा कुछ नहीं, सिंपल है, धनिया जीरा सौंफ किशमिश मुनक्का जो है वही उबाल उबाल के देते रहो शरबत बना के। भाई बाहर के जूस का खर्चा तो बचेगा, मैं तो साफ सी, अगर मैंने बोला जाके जूस पी लो तो भैया 50 रुपए अनार का जूस लग जाएगा बेचारे का, और 50-70 रुपए ग्लास है, 70 रुपीज है। हाँ तो मतलब 70 रुपए मतलब 100 रुपए 150 रुपए जूस का खर्चा बैठ जाएगा, और वही उसमें धनिए के दो दो चम्मच धनिया उबाल के मिश्री डाल के पी लिया और उसकी एनर्जी वापस आ गई। अगले दिन के एक दिन बाद का ही मैसेज है कि रक्त श्राव के वो भी ठीक हो गया और कमजोरी भी दूर हो गई। मुनक्का तो रिकवरी के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये चीजें हैं सिंपल, मतलब वो भी मसाले का आया फोन सूरत से ही था, जहां पे हम जाने सूरत से आया कि भैया मैं अभी मतलब मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, मल त्याग कर रहा हूँ तो उसमें खून आ रहा है। तो मैंने उनको अपना जो हमारा सबसे फेवरेट है फिटकिरी का वो फिटकिरी वाला प्रयोग बताया, तो उन्होंने कहा मैं घर से बाहर हूँ। मैंने उनको बोला आपके घर में जो भी है जहाँ हो, चाहे सौंफ है, जीरा है, धनिया है, कोई भी चीज है, मिश्री के साथ चबा चबा के खाओ। अगले दिन मैसेज आया सुबह, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जो चीजें थी मेरे पास सौंफ और मिश्री था, मैंने 3-4 बार खाया और मेरा रक्त श्राव सुबह मल में रक्त श्राव नहीं आया, जबकि मैं 2 बार जा चुका, जबकि उससे पहले वो दिन मतलब चिंता डर पैदा हो गया था कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये चीजें हैं, मतलब हमें छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं ना, अब वो इंसान इससे पहले भी 1-2 बार और मतलब हम लोगों से जुड़ के अपने आप को स्वस्थ किए हैं, तो अब जब भी कभी होता है तो सबसे पहले वो रसोई घर को अहमियत देते हैं कि चलो यार रसोई घर से पता कर लेते हैं। उससे मैं ही नहीं कह रहा कि आपको किसी को इलाज नहीं कराना चाहिए, डॉक्टर को वैद्य को दवाई नहीं लेनी चाहिए, भाई पहले घर की चीजें करो, घर की चीजों से आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं आराम मिलता है तो आप अपने नजदीक में जिस भी पैथी में जाना हो, चाहे नेचुरोपैथी में जाओ, एलोपैथी में जाओ, होम्योपैथ में जाओ, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी कमाई का खर्चा कहाँ करना चाहते हैं, आपकी समझ है कि आपको कैसे जाना है कैसे करना है। मैं किसी को व्यक्तिगत, जब कोई व्यक्तिगत में फोन करता है तो उसको व्यक्तिगत राय देता हूँ, लेकिन सामाजिक तौर पे मैं किसी के लिए बात देनी हूँ कि मैं ये कहूंगा कि नहीं जी आपको यही चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अब मेरे पास कई फोन आते हैं, भैया मुझे कैंसर की, मैंने कहा जी कैंसर के लिए आप मेरे से अगर पूछते हो, एक भाई होने के नाते, बेटे होने के नाते, तो मैं आपको यही कहूंगा कि राजीव भाई ने जिस हॉस्पिटल का नाम बताया था बलसाड़ का, उस हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लो। अगर वो मना कर देते हैं कि मेरे यहाँ इलाज नहीं है, तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। जो कम से कम सही राय तो दूं, मेरे कारण अगर मैं किसी को भेज दूं, नहीं जी मुझे मालूम है ये वहां पे होता है इलाज, लेकिन पता चला जी उस बंदे ने उसकी जेब काट ली, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां पे कैंसर ही नहीं, और उन्हीं का एक हॉस्पिटल, एक तरफ तो उन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल बनाया है और एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, उस आयुर्वेद हॉस्पिटल में सारे गंभीर रोगों का इलाज होता है और एक कैंसर का हॉस्पिटल है जो कैंसर का इलाज होता है, जहां पे वो पूरी तरह से निःशुल्क है, एक पैसा नहीं लगता, 11 दिन वो खुद रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, दवाइयां देते हैं, आने वाले दिन आपको आगे की दवाइयां लिख के देते हैं, वो आप अपनी दवाइयां वो खरीदना पड़ता है आप, और जरूरी नहीं कि उन्हीं से खरीदनी है, वो आपको कहीं से भी ले सकते हो। इस तरीके से ये हॉस्पिटल है तो वहां पे बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह हर आदमी तो वहां पहुंच नहीं सकता ना, तो हमने उसी चीज की उनकी बनाई हुई किताब को कैंसर के ऊपर, भैया बलसाड़ में हाईवे पे है, आप कहीं भी गूगल पे सर्च भी मार लेंगे ना RMD कैंसर हॉस्पिटल, RMD हॉस्पिटल के नाम से, या क्या नाम है उनका, मतलब बलसाड़ कैंसर हॉस्पिटल लिखोगे तब भी गूगल बाबा ढूंढ के दे देता है।
अच्छा गोविंद भाई, अगर जैसे किसी को कैंसर के लिए हम बताते हैं तो उसने अगर कोई ट्रीटमेंट एलोपैथी का ले रखा है तो भी क्या जा सकता है? जैसे कुछ लोग राजीव भाई ने मना करा था कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी है, कई भाइयों को वहाँ भेजने का अनुभव बता रहा हूँ कि वो कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप जरूरत पड़े तो आप एलोपैथी में नहीं आ जाओ। वो कहते हैं कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो आप लेना, तो हमारी दवाइयाँ उन दिनों में बंद कर देना क्योंकि हमारी दवाइयों का असर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी दवाइयाँ ज्यादा हार्ड होती है तो इन दवाइयों का असर, ये दवाइयों पे पैसे बर्बाद, उन दिनों में खा के दवाई को खराब करने वाली बात है। जब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, आपकी कीमो पे गए हैं, कीमो का आपका पूरा हो गया, तो उसके बाद फिर आप ये दवाई चालू कर लीजिए। मतलब बड़े सही तरीके से इतनी अच्छी गाइडलाइन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। नहीं तो मैं बहुतों वैद्यों को जानता हूँ, बहुत लोगों को सुना है, जहां जाओ वहां अपनी चलाता है, दूसरे की चलने नहीं देता उस बंदे। और इस हॉस्पिटल में बहुत ही सलीके से, और रिकवरी रेट तो इतनी अच्छी निकली कि हमारे ही जानकार ग्रुप में भाई हैं, उनके माता जी को ब्लड कैंसर हुआ, मात्र 1.5 महीने में 50% का आराम मिला है। हाँ, पोस्ट देखा था मैंने आपको बलसाड़ वाला, तो हाँ वो बताया था, बहुत अच्छा था। और उन्हीं की मतलब मैंने अभी जानबूझ के वहां का जितना प्रोटोकॉल था, खाने पीने में क्या देते हैं, कैसे देते हैं, क्योंकि जो भाई गए थे वो थोड़ा सा जागरूक भाई थे, तो उन्होंने जितने भी अलग अलग कैंसर के रोगी थे उन सभी पे थोड़ी सी गहन वो रखी कि इनको क्या दिया जा रहा है खाने को। खाने को देखो जी, दवाइयां का तो अलग अलग है, दवाइयां तो डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन खाने पीने और दिनचर्या पे उन्होंने कहा कि भैया 90% सभी का कॉमन भोजन था, साधारण भोजन था, अच्छा पौष्टिक वाला भोजन था, देसी गाय के दूध घी छाछ था। हाँ, किसी को दूध नहीं देते थे वो 10% लोग थे, किसी को 90% एक जो थे पेट के अल्सर के रोगी थे, पेट में कैंसर था, उनको दूध देने के बजाय उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ छाछ पे रखे हुए थे कि उसको जब भी था छाछ मिलता था और बाकियों को दूध मिलता था। मतलब ये कुछ चीजें हैं, तो 90% सामान्य जो वहां की दिनचर्या थी उस दिनचर्या को, और उन्होंने कहा कि यही दिनचर्या आपको घर में करना है तो इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा, रोगमुक्त बनेगा। रोगमुक्त बनने में परमात्मा का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये रोग से हम मुक्ति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास इस रोग का जैसे सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो डर का जो दादा है ना ऊपर सर पे नाच रहा होता है। और वहां पे 10 दिनों में वही डर खत्म होता है कि जब सारे एक जैसे दिखते हैं ना, 500,000 लोग वहां पे एक जैसे ही तकलीफों में, अलग अलग तकलीफों में दिखते हैं और सारे खुश रहते हैं, तकलीफ किसी को नहीं होती, तो लगता है कि हाँ हम भी स्वस्थ हो सकते हैं। और जैसे ही ये विश्वास आता है तो घर आके फिर होता है ठीक है, बीच बीच में तकलीफ होती है, अपना दवाइयां दे देते हैं, दवाइयां खाते हैं, मतलब तो वो अलग चीज है। लेकिन हम रोगी बने क्यों? मुझे तो यही लगता है, मैं तो सिंपल लगता है, मुझे लगता है कि कोई रोगी बन ही नहीं सकता। रोगी बनता है अपनी मानसिक रोग के कारण। भोजन अप्राकृतिक भोजन है, जो कहते हैं कि शुद्ध सात्विक जैविक आहार एक शब्द चला है आजकल, और मैं भी बोलता हूँ कि आपको, लेकिन मैं इसके साथ एक ही चीज कहता हूँ कि आप जो भी खा रहे हो वो ये देखो कि आपको पच रहा है खाने के बाद, आधे एक घंटे बाद, कहीं पेट में अफारा तो नहीं बना। अगर अफारा बना है तो अगले दिन का ध्यान रख लेना कि जो चीज खाए थे उसको अगले दिन कम कर लो। अगर खाने की इच्छा है, वैसे बैगन है, बहुतों को बादी करती है, ठीक है, तो बादी करता है फिर भी बैगन जब उनके सामने होता है तो खाते हैं, मैं कहता हूँ खाओ लेकिन थोड़ा कम खा लो, या फिर अपने बादी भोजन ना बने, बादी भोजन तैयार ना हो, उसके लिए जो हम खाना पीना तैयार करते हैं उसमें जो छौंक लगती है, जो मसालों का इस्तेमाल होता है, उनका इस्तेमाल करें। भैया इसको यहीं पे विराम देते हैं, कल से लाइन पे रहेंगे। एक ना प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था। वो एक दीदी थी, आसनसोल में रहती हैं फिलहाल, हैं तो बिहार साइड की,
तो उनको मैंने आपका संपर्क संख्या मैंने उनसे साझा किया था, उनको कुछ समस्या है उनके बेटे को, तो बुखार नहीं जाता, तो मैंने कहा था तुलसी का काढ़ा पी लो, अन्य मैंने कुछ औषधियां बताई तो आराम मिला, लेकिन उनके वो कह रहे कि मेरे बेटे को ना हर महीने बुखार आ जाता है और सर्दी खांसी जुकाम रहता है, एलोपैथी दवाई लेता है, लेनी पड़ती है मजबूरी में, तो उसकी पोटी खुश्क हो जाती है, और कुछ उनको भी समस्या है ओबिसिटी इनफर्टिलिटी और अन्य समस्या भी है, तो मैं उनको कहूँ आपको दोबारा संपर्क करें तो आप काइंडली उनको फोन अटेंड करके देना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप व्यस्त रहते हैं थोड़ा। ठीक है भैया, ठीक है, तो परेशान बहुत है, मतलब कह रही थी भैया आप कुछ करो, मैंने कहा मैं बोलता हूँ गुरु भैया से, तो आप जैसे वो देख लीजिए। जी भैया जी, धन्यवाद, बंदे मातरम। ऐसा है ना, हेलो हेलो जी, ऐसा है कि अगर गोविंद जी के पास नंबर नहीं लग पा रहे हैं जी, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर दुर्भाग्यवश मेरा भी नंबर अगर आउट ऑफ रेंज शो कर रहा है या मैं बिजी हूँ, तब जी, वैसे कंडीशन में आप डॉक्टर सौरभ जी से भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी, फिर... जी जी जी, जैसे भी होगा ना, तो मैं आप सभी का नंबर उनको दे दूंगा, और आपका और शौर्य जी का, सत्यवान जी का नंबर तो नहीं है मेरे पास शायद, अपने जो अपना नया पोस्ट तैयार हो रखा है उसमें सबका नंबर है जी, ये भी देख लीजिएगा, या अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, अपने यूट्यूब के चैनल के अबाउट सेक्शन में सबके नंबर है, आप किसी को भी फोन कर सकते हैं वहाँ से। जी जी जी, मैं दे दूंगा उनको, तो जैसे भी होगा तो आप संपर्क कर लेंगे, आने गणमान्य व्यक्ति से संपर्क करते हैं। अरे इसको दीपक विराम दे दो, 10 बज गए। हाँ जी भैया, हाँ जी, ठीक है, आप सभी को नमस्ते बंदे मातरम। तो कल और बहन जी का सत्संग थोड़ा सा स्थगित रहेगा, तो से आयुर्वेद पर सत्र पूर्ण आरंभ हो जाएगी, तो कल भर के लिए व्यवधान है, और आप लोग 9 बजे जरूर पढ़ें, इसमें आपको घरेलू आयुर्वेद एमएफटी से मिश्रित ज्ञान आपको मिलता रहेगा, तो हम शांति पाठ करके करते हैं। एक मिनट दीपक जी, जी कल का मेरा प्रोग्राम रहेगा या नहीं रहेगा, सो बताएं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब 9 बजे। हाँ, इसलिए चूंकि मैं पहुंच गया हूँ तो समय दे दूंगा कल। हाँ, बिल्कुल 9 बजे आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक और आग्रह मैं करना चाहूंगा कि कल जितने भी व्यक्ति जुड़ेंगे कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे। जी। बाकी दीपक भाई, जो डॉक्टर साहब की जो ये रिकॉर्डिंग है तो आप डाली देते चैनल पे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, तो कल वाली भी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो अगर कुछ कुछ रह भी गया तो वहां से सुन के दोबारा कर, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो देने का ऑनलाइन। ठीक है जी जी जी, ओके ठीक है, पृथ्वी शांतिराप शांतिषधय शांति वनस्पत शांति शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति शांति ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। अजी भाई हमारे है तो ना, आप सभी बसे जोड़े, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।